नमस्कार साथियों, मैं सुदर्शन गुप्ता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी। आपके सामने कक्षा 9वीं के गणित विषय के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के अंतर्गत किसी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा खींचेंगे और उस पर हमने एक एक इकाई की दूरी पर जो संख्या नंबर लिख दिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर 2, 3, 4 ऐसे सेंटीमीटर के हिसाब से हमने इसमें अंक अंकित कर दिए नंबर। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यहाँ पर ये है कि संख्या रेखा पर जिसको हमें अंडर रूट के अंदर निरूपित करना है वो मूल बिंदु के लेफ्ट में उतने अंक हमारे पास होना चाहिए। जैसे 9.3 है तो यहाँ से लेफ्ट में हम 9 के और 0.3 पे जो पॉइंट है उसको हम लगा देंगे 9-10 के बीच में। 9.3 हमें लेफ्ट में चाहिए, तो हम इसमें इस प्रकार से इसके रखेंगे 0 पर, और देखें क्लियर अपन को दिख रहा है कि यहाँ पर आपका हो गया 9 और 1, 2, 3 0.3 है। यहाँ पे हमने बिंदु अंकित कर दिया जी, 9.3 हो गया। इसको हम ए नाम दे दें और इसको हम बी नाम दे दें। अब ये हमारे पास ए हो गया और बी हो गया, हमें मालूम है ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 9.3। इसको भी हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ तक का जो बी तक का डिस्टेंस है और ए से, ये आपका ए है यहाँ पे और बी, यहाँ से यहाँ तक का ये है 9.3 सेंटीमीटर। जो भी यूनिट होगी उसके हिसाब से, चूंकि अभी हमने सेंटीमीटर पर ये अंकित किए नंबर, इसलिए सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये जीरो से लेके एक तक यहाँ पे एक इकाई है, यहाँ तक ये एक इकाई है, तो इसको हम बी से और एक इकाई की दूरी पर एक बिंदु को और अंकित कर देंगे। इस एक इकाई की दूरी पर इसको हमने सी नाम दे दिया, क्योंकि जो बिंदु ऊपर लिख दिए क्या वो नीचे नंबर लिखे थे, आप यहाँ पे नीचे भी लिख सकती हैं संख्या रेखा कर, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये एक है, अब हमें ए से लेके सी तक टोटल कितना हो गया, ए से लेके सी तक, तो देखें 9.3, 9.3 तो था और वो एक और बढ़ गया तो 10.3 हो जाएगा। पहले निशान अपन उसको कर देते हैं, तो ये सी तक का हो गया और ये ए, तो ए से लेके सी तक का 10.3, हम 10.3 पर निशान थोड़ा सा लगा देंगे, ये ए जी सी। इसको अपन बिल्कुल बारीकी से नापकर और आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपन को समझना है, इसलिए मोटे तौर पर अपन उसको बिल्कुल पॉइंट के 1-1 सेंटीमीटर तक को जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, और 10.3 सेंटीमीटर जो हो गया हमारा ए से लेके सी तक। अब हमको क्या करना है कि जो ए सी है उसका उसके मतलब व्यास मानकर, ए सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाना है। तो चूंकि अब ए सी को व्यास मानेंगे तो ए सी की आधी त्रिज्या हो जाएगी, तो ए सी का हम अर्धक खींचेंगे, क्योंकि अपन को अर्धवृत्त बनाने के लिए इसका अर्धक खींचना पड़ेगा। तो जी ए है
और हम आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप रेखा संख्या रेखा के ऊपर और एक चाप इधर संख्या रेखा के नीचे काटते हैं। वही डिस्टेंस को हम सी पर रखकर चाप खींचेंगे इधर और संख्या रेखा के नीचे भी। हमने देखा कि जो ऊपर यहाँ पर कटता है उसको अपन ने पी नाम दे दिया और जो नीचे था उसको हमने क्यू नाम दे दिया। अब हम पी क्यू को मिला देते हैं जो पी है और देखें जो नीचे अपना क्यू है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से हमें जो बिंदु मिलता है उसको हम ओ मान लें। ध्यान रहे ये जीरो है, ये हमारा ओ है। अब इस ओ से ओ को केंद्र मानकर ओ ए या ओ सी त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ओ को केंद्र मानना है और ओ सी त्रिज्या ध्यान दें तो यहाँ पर हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे तो ये ए से होकर जाएगा। अब इस अर्धवृत्त पर जो बी बिंदु है वहाँ से हम लंब खींचेंगे इस संख्या रेखा पर बिंदु बी से लंब और देखेंगे वो अर्धवृत्त को कहाँ पर काटता है। तो बी को केंद्र मानकर हमें संख्या रेखा पर लंब खींचना है। तो जो लंब किसी रेखा पर लंब कैसे खींचा जाता है वो उसकी प्रोसेस के तहत अपन उसको कर सकते हैं। तो या तो अपन जैसे पहले किया था अभी अभी वैसा कर लें कि ऐसा कर देते हैं एक ही साइड में दो कट लगा देते हैं। यहाँ पे जो आ गया यहाँ से इधर ये 60 का कोण बन गया, एक अगला भी ये 60 का बन गया। इसको थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ा दें। इस 60 का अपन ने आधा किया और ये बिंदु है इसको हम पी जे था क्यू था इसको अपन आर मान सकते हैं बिंदु आर। अब आर को बी से मिला दें जी, आर को बी से ये बिंदु बी है और ये आर है और हमने देखा कि वो इस अर्धवृत्त को यहाँ पर काटता है। तो चलिए हमने माना था ए बी सी इसको डी बिंदु मान लें। तो जो बी डी है बी डी की दूरी है वही अंडर रूट 9.3 को प्रदर्शित करेगी। बी से लेकर डी तक की दूरी वही अंडर रूट 9.3 रहती है। तो हम बी डी को त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा को जहाँ पर कट करता है वो बिंदु हम ई मान लेते हैं ई और यही बिंदु अंडर रूट 9.3 को प्रदर्शित करता है। इससे हमें भी पता चल गया क्योंकि यदि ये अंडर रूट 9 होता तो 3 होता। अच्छा 9.3 है तो देखो 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमारा ये वेरीफाई भी होता है कि संख्या रेखा पर वो बिंदु सही प्रदर्शित हुआ है। धन्यवाद।